बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हम लोगों ने बीएससी की मैकेनिक्स को शुरू किया हुआ है और उसका चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 मैकेनिक्स की जो बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में से एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो बहुत ही इसका सोल्यूशन आसान है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो मैं बुक से स्टडी कर रहा हूं, तो आप लोग बुक ओपन कर लिख के इसकी स्टेटमेंट को देख लीजिए। इसमें कहता है कि इफ आर इज हॉरिजॉन्टल रेंज, आर क्या है हमारे पास सॉल्यूशन इसका। ठीक है, आर क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। ठीक है, आर इज हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड एच इज ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट हाइट। एच क्या है उसकी ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, ग्रेटेस्ट हाइट या मैक्सिमम हाइट इसको कह लें। वो कहते हैं देन देन प्रूव दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन बाय, हम लोगों ने प्रूव करना है कि टू प्रूव जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम लोग वी नॉट से शो कर रहे हैं। वो कहता है प्रूव करें कि हमारे पास इसका जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए। यहाँ पे टू जी इंटू एच प्लस आर स्केयर ओवर 16 एच, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 एच, और इसकी होल की पावर कितनी दी हुई है, 1/2। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज या ग्रेटेस्ट हाइट दी हुई हो, ठीक है, बहरहाल इसका हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस लाइन, ठीक है, ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस लाइन, ये कोई इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल इस तरीके से प्रोजेक्टेड किया जाता है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको वी नॉट से शो करते हैं, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसको अल्फा से शो करते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम वाई हाइट है वो यहाँ तक हो, यहाँ पे होगी। ठीक है, ये उसकी क्या है, मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, और इस पे जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज या ग्रेटेस्ट हाइट की बात कर रहा हो तो उस पे हमारे पास जो अबसीसा के पॉइंट होते हैं वो हमारे पास ये होंगे। ठीक है, अबसीसा के पॉइंट क्या होंगे हमारे पास, अबसीसा के पॉइंट हमारे पास होंगे वी नॉट स्केयर सैन 2α/2g, वी नॉट स्केयर सैन 2α/ क्या होता है 2g, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है वी नॉट स्केयर सैन स्केयर α/2g, वी नॉट स्केयर सैन स्केयर α/2g। ठीक है, ये हमारे पास जो होते हैं अबसीसा के पॉइंट होते हैं। ये जो है इसके साथ ले लेंगे, ये एक्स का पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट का रिजल्ट ये वाला आना चाहिए। ठीक है, जब हमारे पास ये हमारे पास क्या है, दोनों अबसीसा के पॉइंट है, अबसीसा, ठीक है, अबसीसा के पॉइंट है, तो हमारे पास जो रेंज होगी वो होगी ट्वाइस ऑफ अबसीसा। रेंज क्या होगी, ट्वाइस ऑफ अबसीसा। नौ हमारे पास जो रेंज होगी वो क्या होगी, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ अबसीसा। ठीक है, ये होगी, तो आर इज इक्वल टू 2, अबसीसा का जो पॉइंट है वो फर्स्ट वाला ले लेंगे, वो क्या है वी नॉट स्केयर सैन 2α/2g, वी नॉट स्केयर सैन 2α डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, तो 2 से 2 आप लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, या अगर कैंसिल आउट ना करना चाहें तो कर भी सकते हैं, चलिए कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वी नॉट स्केयर sin 2α, क्या होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, इसको 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है ये हाइट का है, मतलब हाइट ये वाई है ना, तो एच हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एच हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर sin स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 2g आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कोई कोई नंबर
टू आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्योंकि लीस्ट स्पीड मालूम करनी है, ठीक है, क्या फाइंड आउट करनी है, हम लोगों ने लीस्ट स्पीड मालूम करनी है। तो लीस्ट स्पीड मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करके हम लोग ने इसमें से वी नॉट निकालना है। क्या निकालना है हम लोग ने इसमें से? वी नॉट निकालना है। तो इक्वेशन टू में से हम लोग वी नॉट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू, ठीक है, इक्वेशन टू से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास टू जी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने निकालना है वी नॉट निकालना है। तो वी नॉट निकालने के लिए ये हमारे पास इम्प्लाइज दैट वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा टू जी एच डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? साइन स्क्वेयर अल्फा। वन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर अल्फा किसके बराबर होता है? कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा के बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा के बराबर होता है। तो वी नॉट स्क्वेयर ये आ जाएगा टू जी एच, कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा क्या होता है? वन प्लस कॉट स्क्वेयर अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। वन प्लस कॉट स्क्वेयर अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। इसको किसी स्टेरे का नाम दे दे। अब हम लोग उन्हें इसमें से कॉट की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है ये इक्वेशन वन और टू है, ये वाली क्या है? वन और ये क्या है? टू। तो हम लोग क्या करते हैं, वन को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन टू पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर ओवर एच, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड होगी। तो ये आ जाएगा टू वी नॉट स्क्वेयर क्या आ जाएगा? साइन अल्फा कॉज अल्फा और डिवाइडेड बाय क्या है? जी। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? वी नॉट स्क्वेयर ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फा और नीचे क्या आ जाएगा? टू जी। वी नॉट स्क्वेयर से वी नॉट स्क्वेयर कट जाएगा, ठीक है, जी से जी कट जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास, इसमें से साइन अल्फा भी एक कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो टू है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू टू दा ये क्या हो जाएगा? आर ओवर एच, ठीक है, ये आ जाएगा फोर। और नीचे ये वाली वैल्यू उलट हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास साइन अल्फा एक इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉज अल्फा और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन अल्फा आ जाएगा, फोर कॉज अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, फोर कॉज अल्फा साइन अल्फा। तो फोर कॉज अल्फा आर ओवर एच, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फोर इधर आर ओवर फोर एच आ जाएगा, कॉज ओवर साइन क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉट अल्फा आ जाएगा, ठीक है, कॉट अल्फा। इसको पुट कर देते हैं किसमें? स्टेरिक में। इसमें पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी एच, ठीक है, वन प्लस कॉट का स्क्वेयर लेंगे दोनों तरफ, तो आर स्क्वेयर क्या आ जाएगा? 16 एच का स्क्वेयर आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वेयर लेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 16 एच का स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्योंकि इसमें से फाइंड आउट करनी है लीस्ट स्पीड फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है इसमें से? लीस्ट स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो लीस्ट स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये हम क्या करते हैं, पहले h को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब h को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2g, h मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास h इंटू क्या आ जाएगा? आर स्क्वेयर 16 h का स्क्वेयर, ठीक है, ये आ जाएगा, एक h से कट जाएगा। तो v नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2g और h प्लस आर ओवर 16 h आ जाएगा, ठीक है। दोनों स्क्वेयर रूट ले लेंगे बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास वी नॉट का स्क्वेयर, इसके ऊपर भी स्क्वेयर रूट आ जाएगी 2g और ये आ जाएगा हमारे पास h प्लस आर ओवर 16 h, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी? ये वाली स्क्वेयर रूट आ जाएगी, ठीक है, स्क्वेयर रूट इस ये से कट जाएगी। तो वी नॉट जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल विलास्टी कहते हैं, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 2g h प्लस आर ओवर 16 h, ठीक है, और इसकी होल की पावर स्क्वायर रूट की वजह से क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी, ठीक है। यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये इसका सॉल्यूशन।
तो आई थिंक ये वाली एग्जांपल भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी बकिया एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।